नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो निर्माण प्रशिक्षण श्रृंखला में हम लोग ये जानेंगे और सीखेंगे कि कैमरे की विभिन्न स्थितियां और घुमाव किस प्रकार के होते हैं और उन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरा में ऊपर से लिए जाने वाला शॉट, नीचे से लिए जाने वाला शॉट, आंखों के स्तर वाला शॉट, पैन यानी पैनिंग, टिल्ट यानी टिल्टिंग और जूम के बारे में हम उदाहरणों के साथ सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। ऊपर से लिए जाने वाला शॉट। जब हमें किसी चीज को ऊपर से दिखाना होता है तो हम ऊपर से लिए जाने वाले शॉट का इस्तेमाल करते हैं। इस शॉट में कैमरा ऊपर होता है और शूट करने वाली चीज नीचे होती है। कभी कभी हमें किसी सामग्री या वस्तु को दिखाने की जरूरत होती है जो हम सामने से नहीं दिखा सकते, तब हम त्रिपाद को लंबा करके कैमरे से ऊपर से शॉट लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसान दीदी भिंडी का बीज उपचार कर रही है तो उसमें कई सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, जैसे गौमूत्र, पानी, भिंडी के बीज, वर्मी कंपोस्ट, बीजामृत, सूती कपड़ा आदि। कभी कभी ये सारी सामग्री सामने से दिखाना मुश्किल होता है क्योंकि शायद दर्शकों को ये ना मालूम पड़े कि हर बर्तन में क्या रखा है। तब हम ऊपर से नीचे वाले शॉट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दीदी, भिंडी के उपचार करने जा रहे हैं बीज। भिंडी का बीज हो गया, ये पानी हो गया, ये बर्मी कंपोस्ट हो गया, गौमूत्र या बीजामृत हो गया, इसमें एक सूती कपड़ा भी लगता है। यह है भिंडी के बीज हो गया, पानी हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, गौमूत्र हो गया, बीजामृत हो गया, एक इसमें सूती कपड़ा भी लगता है। एक और उदाहरण है। मान लीजिए जीविका सहेली छोटे बच्चों की माओं को ऊपर से दिए जाने वाले आहार और उसकी मात्रा के बारे में बता रही है। तब प्लेट में जो आहार रखा है उसको ऊपर से लिए जाने वाले शॉट में दिखाया जा सकता है। आए दीदी, बचवा कई महीना को होले दीदी? 6 महीना से ऊपर हो गले दीदी। तो एरा कुछ देना चाहे ना दीदी? तो हम तो कुछ जानबे न करे दीदी, बताइबू त ना दीदी। हाँ तो देना चाहे ओबला हुआ अथी आलू चूर के दाल देना है, अथी दाल गला के उसको, और अंडा देना है उबाल के। ठीक है। और के पकल हुआ केला देना है। ठीक दीदी, देंगे। या मान लीजिए बच्चा खाट पे लेटा है और हम उसका चेहरा दिखाना चाहते हैं, तब भी हम कैमरा ऊपर रख के बच्चे का शॉट ले सकते हैं। नीचे से लिए जाने वाला शॉट। जब हम किसी चीज को नीचे से दिखाना चाहते हैं तब हम नीचे से लिए जाने वाले शॉट का इस्तेमाल करते हैं। इस शॉट में कैमरा नीचे रहता है। मान लीजिए अगर हमको किसी फसल में लगे हुए रोग को दिखाना है जो उस पौधे की पत्ती के नीचे लगा, तब हम इस शॉट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमें त्रिपाद को बिल्कुल नीचे करके कैमरे को ऊपर की तरफ करना पड़ता है। कभी कभी अगर किसी को प्रभावशाली दिखाना हो तो भी नीचे से ऊपर वाले शॉट का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जीविका सहेली यदि कोई खास बात बता रही हैं, कोई संदेश दे रही हैं और हम उनकी बात को और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हम इस शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग स्वयं सहायता समूह से जीविका के द्वारा जुड़े तो हमारे समूह में दीदी और भैया मिलकर नए नए तरीके अपनाए और लागू करवाए कि देखिए दीदी, बिचड़ा को जब संशोधन करके लगाइएगा तो उसका जड़ मजबूत होगा और फसल अच्छा होगा और उपज ज्यादा होगी। आंखों के स्तर वाला शॉट। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कैमरा ना ऊपर है ना नीचे, ये एकदम मेरी आंखों के स्तर पर है। क्योंकि ज्यादातर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसी स्तर पर बात करते हैं। जब हम अपने कैमरे को
अपने विषय की आंखों के स्तर पर रखते हैं और तब शॉट लेते हैं, तब उस शॉट को आंखों के स्तर वाला शॉट कहते हैं। दीदी, अब आपका बचवा 6 महीना से ज्यादा हो गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई किसान दीदी बाकी किसानों को किसी खेती की प्रक्रिया पर कोई संदेश दे रही हो, तब हम आंखों के स्तर वाले शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दीदी भैया, जब भिंडी का बीज लगाइएगा तो उसको जरूर शोधन करिएगा। शोधन करके लगाने से उसमें रोग नहीं लगता है, क्योंकि वो पौधा होता है जो मजबूत होता है, उसका जड़ मोटा होता है। जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या कोई किसी समूह को संबोधित कर रहा है, तब हम कैमरा को आंखों के स्तर पर रख सकते हैं और इस तरह आंखों के स्तर वाला शॉट ले सकते हैं। यदि लोग बैठे हुए हों तो भी हम त्रिपाद को नीचे करके कैमरे को उनके स्तर तक लाएं, तो भी हम आंखों के स्तर पर शूट कर सकते हैं। जब तक कोई खास कारण ना हो, तब तक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाला शॉट इस्तेमाल नहीं करते और आंखों के स्तर वाला शॉट ही इस्तेमाल करते हैं। हम अपने वीडियो में सबसे ज्यादा आंखों के स्तर वाले शॉट का उपयोग करते हैं। ये थी कैमरा की 3 अलग अलग स्थितियां जिन्हें हम शूटिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैमरा किस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में चलाया जा सकता है। पैन या पैनिंग। जब हम कैमरे को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तरफ घुमाते हैं, तो कैमरे के संचालन को हम पैन करना या पैनिंग बोलते हैं। इसके इस्तेमाल से हम किसी व्यक्ति या किसी चीज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ जाते हुए दिखा सकते हैं। इसमें हम कैमरे को त्रिपाद पर कसकर उसमें दाएं से बाएं घूमने वाले लॉक को खोल के उसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घुमा सकते हैं, और बहुत धीरे धीरे घुमाना होता है। हमें पूरी कोशिश करनी होती है कि इस संचालन में किसी भी प्रकार के झटके ना आएं। उदाहरण के तौर पर, अगर दो दीदियां बात करते हुए अपने घर में जा रही हैं या अपनी फसल देखते हुए खेत के अंदर जा रही हैं, तब हम कैमरे को उनके साथ साथ घुमा सकते हैं। इसे हम पैनिंग करना बोलते हैं। एक और उदाहरण हो सकता है, जब हम गांव या जगह को अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हों, तब भी हम कैमरा को एक दिशा में घुमा सकते हैं। टिल्ट या टिल्टिंग। कैमरा दाएं से बाएं घूमता है और ऊपर से नीचे मुड़ता भी है। अब हम ये जानते हैं कि कैमरा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे और क्यों करते हैं। जब हम कैमरे को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं, तो कैमरे के इस संचालन को हम टिल्ट भी बोलते हैं। जब हमें किसी चीज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दिखाना हो, तब हम कैमरा को टिल्ट करते हैं। कभी कभी हम किसी लंबी वस्तु को कैमरे के सामने से पूरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। हम टिल्ट वाले शॉट या टिल्टिंग का उपयोग करके इस शॉट को पूरा दिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दीदी मुर्गी पालन कर रही हो और हमको अगर पूरा पिंजरा पास से दिखाना हो, तब हम टिल्टिंग या टिल्ट वाले शॉट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम कैमरे को त्रिपाद पर कसकर सिर्फ मोड़ने वाला लॉक खोल के उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बहुत धीरे धीरे करते हैं। हमें पूरी कोशिश करनी होती है कि इस संचालन में किसी भी प्रकार के झटके ना आएं।
कैमरा को अलग अलग दिशा में हम तभी घुमाते हैं जब इसके अलावा हम किसी और तरीके से शॉट न ले पाएं। इसका इस्तेमाल सीमित तरीके से ही करना चाहिए। जूम कैमरा में जो लेंस होता है वो कैमरा से सामान्य दूरी पर देखने वाली वस्तु को पास से भी दिखा सकता है। इसे हम जूम कहते हैं। हर कैमरे में जूम का विकल्प होता है जिसके द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जूम के विकल्प से हम किसी चीज को या वस्तु हो उसको बड़ा और साफ दिखा सकते हैं। अगर हमें बहुत पास वाला शॉट लेना है, जैसे अगर हमें दीदी को खेत में काम करते हुए दिखाना है लेकिन कुछ रुकावट के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते और दूर से लेने पर वो बहुत साफ नहीं आएगा, तब हम कैमरे में स्थित जूम के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और अपना शॉट ले सकते हैं। या फिर कोई चीज बहुत पास से दिखानी हो, जैसे कि बीज, सब्जी, फल, पर कैमरा और पास ना ले जा सकते हो, तब हम जूम का प्रयोग कर सकते हैं। जब रिकॉर्डिंग हो रही हो तब हमें जूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने विषय के पास कैमरा लेकर जाएं। तो आपने इस वीडियो में देखा और समझा कि कैमरा को किस तरह रखा जा सकता है, घुमाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। वीडियो में दिए गए उदाहरण आपकी समझ के लिए हैं। याद रखिए, कैमरे का हर संचालन आपके वीडियो के लिए, आपकी कहानी के लिए बेहद जरूरी है। इनका सोच समझकर इस्तेमाल करें। धन्यवाद। नमस्कार।